अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हम सदक अली और आप देख रहे हैं हम सदक अली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये थंबनेल सीरीज की क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम सीख रहे हैं कि मोबाइल पर क्रिएटिव और क्लिक बेट थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ से पिक्सल ऐप को ओपन कर देता हूँ। दोस्तों, ये पिक्सल ऐप है, ये आपके पास इंस्टॉल होगी। अगर इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई वाटर मार्क वगैरह नहीं होता। अगर आपको प्ले स्टोर से ना मिले तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा थंबनेल ही होता है जो आपकी वीडियोस पर व्यूज़ लाकर उसको वायरल कर देता है, जिससे आपके यूट्यूब चैनल को बूस्ट मिल जाता है। अगर आपकी वीडियोस पर एक अच्छा थंबनेल नहीं होगा तो आपकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, बेशक आपकी वीडियो कितनी ही अच्छी क्यों ना है। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप एक अच्छा थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप फ्री चैनल प्रमोशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना और नीचे एक प्यारा से कमेंट कर देना है। जो सबसे अच्छा और सबसे प्यारा कमेंट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, तो बाकी लोगों ने उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो इंशाल्लाह एक हर वीडियो में एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट किया करूंगा, तो इस तरह फ्री चैनल प्रमोशन भी चलती रहेगी, तो इससे आपके यूट्यूब चैनल को भी हेल्प मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि मोबाइल पर थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, मैं सारे थंबनेल मोबाइल पर ही बनाता हूँ, तो मुझे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले करना क्या, आप सबसे पहले हमने इसका जो साइज़ है थंबनेल का वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए राइट साइड पर जो 3 डॉट हैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएँ इमेज साइज़ में। ये देखिए प्रीसेट कस्टम है, कस्टम पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें यूट्यूब थंबनेल, बाकी यूट्यूब बैनर वगैरह सब कुछ है, लेकिन हमने यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। ये जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है 1280x720, ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको कर देना ओके। तो ये जो देखें साइज़ है वो सिलेक्ट हो गया है। तो अब हमने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, तो यहाँ पर इसके लिए हमने यहाँ पर राइट साइड से दूसरे नंबर पर देखें जो ब्लू हो गया बटन, इस पे आ जाना है। तो यहाँ कलर में जाएंगे, हमने इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करना, हमने एज ए ग्रेडियंट इसका बैकग्राउंड लगाना है। कैसे लगाना है, ये प्लस के साइन में जाएंगे, यहाँ पर हमने 2 कलर पिक करने हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, जो कलर पिकर है इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला मैंने पहले सिलेक्ट किया, और यहाँ पर कलर में आ जाएँ। तो यहाँ से मैं कोई अच्छा सा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये पर्पल है इसको, और यहाँ से जो ग्रीन है ये मैं यहाँ से इसको थोड़ा कोई और कर लेता हूँ, ये करके देखते हैं ये कैसा लगता है, ठीक है, इतना, और यहाँ से इसको यहाँ से, हाँ ठीक हो गया, इसको पकड़ के यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ ठीक, यहाँ नहीं, यहीं यहीं ठीक रहे, ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, ये दोबारा मैं चेंज करूँगा इसको, तो इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर इसको आगे ले आएंगे, तो अब देखते हैं ये कैसा लग रहा है, अब ठीक है, तकरीबन ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले। अब हमने टेक्स्ट में आना जाए, यहाँ पर ए में जाएंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहली टेक्स्ट है इसको डबल टैप करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लिखना है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि ग्रो योर यूट्यूब चैनल, ठीक है, GROW और ग्रो योर, इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, अपने फ़ॉन्ट में आ जाना है, ए बी फ़ॉन्ट में, ठीक है, इसका जो स्टाइल है वो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो मैं पहले ही कर लेता हूँ, ये कर लिया। अब हमने इसकी लेनी है कॉपी, अब हम नीचे लिखना है ग्रो योर यूट्यूब चैनल, यहाँ से कॉपी ली और इसको यहाँ से डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको एडिट करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चैनल कैपिटल लेटर में, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, चैनल हो गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक थोड़ा सा, यहाँ हो गया। अब हमने इसको कर देना बोल्ड, बोल्ड कैसे करना है, यहाँ पर ए बी के आगे स्टाइल है, स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन है, ठीक है, ये हो गया बोल्ड। अब हमने इसकी फिर कॉपी लेनी है और हम लिखेंगे ग्रो योर सॉरी चैनल, पहले लिख दिया हमने, चलो यहाँ पर चैनल आ गया, तो अब मैं चैनल को डिलीट
एडिट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रो योर यूट्यूब यूट्यूब, ठीक है, ये अब ठीक हो गया, ग्रो योर यूट्यूब चैनल। और अब हम फिर इसकी लेते हैं एक कॉपी और इसको लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे विद इन 1 मंथ, ये हम वैसे लिख देंगे विद इन 1 मंथ। आपने जो थंबनेल लेना है वो आपने अपनी वीडियो के कंटेंट के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ से इसका जो साइज़ है वो मैं पकड़ के छोटा कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हम लगाते हैं, इसको बैकग्राउंड में जाएं, इसको करेंगे इनेबल, और यहाँ से इसका कलर है प्लस पे जाएंगे, मैं यहाँ से इसका कलर कर देता हूँ रेड, फुल रेड कर दिया। तो अब नीचे थोड़ा सा रेडियंस है, पैडिंग है, वो यहाँ तक कर देते हैं लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी 7 पे, यहाँ पे इतनी 7 है, बाकी इसकी भी 7 है, इसकी भी यहाँ से 7 कर देते हैं। और टॉप पैडिंग है ये कर देते हैं हम 5, और बॉटम पैडिंग है ये कर देंगे 5। इससे ये होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब रेडियस का क्या मतलब है, जो इसके कॉर्नर है वो बिल्कुल शार्प है। अब हम इसको राउंड करना, ये देखिए राउंड हो गए हैं, अब हम इसको ओके करके देखते हैं, ये देखें हमारा ये आ गया। एक और चीज़ हमने करनी है यहाँ पर, ये ग्रो योर है, इसको हमने थोड़ा सा रोटेट सॉरी यहाँ पर आ जाए स्टाइल में, और यहाँ से इसको इटैलिक कर दें, इटैलिक बी के आगे जो आई है ये देखें इटैलिक हो गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब हम इसको सबको मर्ज करते हैं, मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर लेयर में और नीचे क्लिक करें बटन पे और सबको सेलेक्ट करके, और नीचे एक मर्ज का ऑप्शन है, इसको कर दें ओके, तो ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ एक ही बन चुका है। अब हमने यहाँ पर एक शेप ऐड करनी है, थोड़ा सा इसको क्रिएटिव बनाने के लिए नीचे आ जाएं, यहाँ पर स्टिकर में सेंटर वाला बटन पे क्लिक करें और स्टिकर में आ जाएं, और यहाँ पर ये एक स्टार, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ यहाँ तक, ठीक है। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर कोई यहाँ से फ़िलहाल मैं यहाँ से इसका ब्लू कर देता हूँ, ब्लू किया। अब हमने इस यहाँ पर अपना फ़ोटो ऐड करना है, जो आप अपना फ़ोटो अपने पिक्सल थंबनेल में लगाते हैं वो अपने लगाना, कैसे लगाना है, यहाँ पर प्लस के साइन में आए फ्रॉम गैलरी वो फोल्डर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पहले फ़ोटो में जाना, फिर आपके सामने सारे फोल्डर आ जाएंगे, ठीक है, आपकी गैलरी के। तो दोस्तों आपने अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर आ जाए, जिस भी फोल्डर में पड़ा हुआ मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, इसको फ्लिप करना, इसको यहाँ से लेफ्ट साइड पर जो नीचे बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये घूम जाएगा इस तरह, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर लगा देना है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, हाँ इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी नहीं, ये बड़ा है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये स्टार इसको लॉक कर देते हैं, यहाँ पर लेयर में इसको लॉक किया तो अब ये हिलेगा नहीं, तो अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये आपके सामने है, ये एक इसको हम यहाँ से थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि ये इसके जो यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ सिंपल स्टेप के साथ ये जो हमारा सिंपल सा प्यारा सा यूट्यूब थंबनेल मोबाइल पर रेडी हो गया है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए क्रिएटिव और क्लिकबेट थंबनेल के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।